माँ पीताम्बरा की पावन भूमि पर हमारे बीच में पधारे। इस देश की आवाज, किसानों की, महिलाओं की आवाज, हिंदुस्तान में नारी लड़की हो नर शक्ति का नारा देने वाली बहन प्रियंका गांधी जी का हम कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे। तालियों की कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करेंगे पीताम्बरा बाई की नगरी में। हमारे बीच में उपस्थित AICC के सचिव हमारे प्रभारी आदरणीय श्री पांड्या जी, आदरणीय प्रभारी AICC सचिव श्री बी मित्तल साहब, आदरणीय प्रभारी श्री भगवान सिंह तोमर जी, आपके दतिया के लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक आदरणीय नारायण भारती जी, पांडर के पूर्व विधायक और लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय फूल सिंह बड़ैया जी, आदरणीय राजाराम बघेल जी, आदरणीय अवधेश नायक जी, हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय श्री अवधेश नायक जी आए और स्वागत भाषण के साथ संबोधित करें। आदरणीय अवधेश नायक जी, हमारे बीच में पीताम्बरा बाई की, पीताम्बरा बाई की हम सबकी लाडली नेता कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी एवं उपस्थित मंच। मैं आदरणीय प्रियंका जी को बताना चाहता हूँ कि मुझे पहले कांग्रेस का टिकट हुआ था और उसके पश्चात जब मेरा टिकट कटा राजेंद्र भारती जी को हुआ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन लगा के कहा कि अवधेश मान जाओ, अब भाजपा में आ जाओ, क्या चाहते हो। मैंने दीदी उनसे कहा कि मैं दतिया से नरोत्तम मिश्रा की विदाई चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। इसके बाद दीदी उन्होंने नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार के लोगों ने अफवाह उड़ाई। अमित शाह जी आए थे परसों, अवधेश नायक शामिल होने वाले हैं। मैंने उनसे कहा मैं उस दल में हूँ जिस दल की सर्वमान्य नेता आदरणीय सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद छुरा दिया था। मैं ऐसे 100 टिकट कुर्बान नरोत्तम मिश्रा को दतिया से भगा के मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भांडर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय फूल सिंह बड़ैया जी को आमंत्रित करेंगे, वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय बड़ैया जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय प्रत्याशी दतिया भारती साहब, आदरणीय AICC पदाधिकारी श्री भाटिया साहब, मित्तल साहब, और मैं आपके बीच में सिर्फ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, मैं भांडर से ही प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का और आपसे ये समझ करके चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ एक मिनट भी कि हम लोग, मैं भांडर से लड़ रहा हूँ, राजन भारती साहब दतिया से हैं, ऐसा समझिए कि मैं राजन भारती ही बोल रहा हूँ आपके बीच में। आप वोट देंगे, वोट दे करके जिताने की जिम्मेदारी आपकी, और जीतने के बाद आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके कष्ट, आपकी त्रासदी, इनसे लड़ने की जिम्मेदारी फूल सिंह बड़ैया राजन भारती की होगी। सभी को धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा दतिया में संघर्ष का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और दतिया की जनता के लाडले आदरणीय नारायण भारती जी आए और आप सबको संबोधित करें। आदरणीय नारायण भारती जी, पीताम्बरा माई की, सम्माननीय आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमूर्ति, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी, सम्माननीय भाटिया जी, मित्तल साहब, मंच पर उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, जिला अध्यक्ष जी, अवधेश नायक जी, आज हम लोगों का बड़ा ऐतिहासिक दिन है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि दतिया में हमारी बहन प्रियंका गांधी जी की दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 3 बार दतिया आई।
78 हेलो 79 और 80 और आज हमारा ये सौभाग्य है और दतिया के लोगों का सौभाग्य है कि आज विश्व के सबसे राजनीतिक पुराने परिवार की प्रसिद्ध नेता प्रियंका गांधी आज हमारे बीच में है। मैं केवल आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, 2008 से दतिया जिले की जनता ने जो कष्ट, अत्याचार, दुख, तकलीफ सही है, जो कष्ट उठाए हैं और वो कष्ट देने वाला, वो तकलीफ देने वाला, घाव देने वाला एक ही व्यक्ति है, दतिया का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। पूरी जनता परेशान है, चाहे व्यापारी हो, दतिया जिले की, दतिया शहर की ऐसी प्राइवेट जमीनें नरोत्तम मिश्रा ने शासकीय घोषित कर दी है जिनसे 10,000 परिवार प्रभावित हैं, और व्यापारी परेशान है, चाहे जिसके ऊपर फर्जी केस बना देना, जनता परेशान है, हमारे कांग्रेस ही परेशान है, और आज हमें उम्मीद है कि हमारे बीच में प्रियंका जी आई हैं, हम सबको इससे छुटकारा दिला के जाएंगी, और आप उनकी अपील पर, उनके आह्वान पर गृह मंत्री को डबरा के पास में जाके भेजेंगे। मैं केवल एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आज आपसे विनम्र अपील करता हूं कि आप जितना हमारे परिवार ने, हमारे पिताजी स्वर्गीय श्याम जी ने 1952 से लेके आजादी से लेके स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से लेके और आज तक जो सेवा की है, आपसे हम भीख मांगते हैं कि आप हमारी झोली में हमें मत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। अब अपनी हरदिल अजीज नेता प्रियंका जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं उनको निवेदन करूंगा कि आए और आपको एड्रेस करें। बैठ गए सब। माँ पीताम्बरा देवी जी की, माँ पगलामुखी देवी जी की, गोपेश्वर महादेव जी, वनखंडेश्वर महादेव जी की पावन भूमि में आकर आज मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं पीताम्बरा माता के दर्शन करने 1.5 साल पहले गई थी, उस समय मैं यूपी में काम कर रही थी, और वो जगह ऐसी है कि मैं राजनीतिक प्रोग्राम के लिए आई थी, समय कम था, मैंने कहा दर्शन करने हैं तो ले चलिए। जब मैं वहां गई तो वहां से उठ नहीं पाई, आधे घंटे के लिए मैं बैठी रही ध्यान में, और मुझे माता का जो की जो शक्ति है उसका एहसास हुआ। तो इसलिए आज यहाँ आकर, इस पावन धरती पर यहाँ आकर मुझे बहुत बहुत खुशी भी हो रही है, और श्री राजेंद्र भारती जी, श्री फूल सिंह भरैया जी, श्री घनश्याम सिंह जी, श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, श्री अवधेश नायक जी, श्री राम किंकर गुर्जर जी, श्री फरमान अली जैदी जी, श्री राधे लाल बघेल जी, श्री सीपी मित्तल जी, श्री शिव भाटिया जी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मंच पर उपस्थित जितने भी कांग्रेस के नेतागण हैं, आप सबका स्वागत, मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आपका भी। खास तौर से मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाई, आप यहाँ काफी समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरी बातों को सुनने आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी इस सभा में स्वागत। ये संतों और महात्माओं की तपोभूमि है, जैन समाज की तपोभूमि है, राजा वीर सिंह देव की धरती है। आप सबको मेरा प्रणाम और सादर नमस्कार। देखिए, अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं कुछ घोषणाएं आपके सामने रखना चाहती हूं जो कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता के लिए की हैं।
उसके बाद मैं अपना भाषण शुरू करूंगी। महिलाओं के लिए आपने सुना होगा कि प्रतिमाह 1500 रुपए सरकार आने पर हम दिलवाएंगे, गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए बनाएंगे। आज भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धान के लिए 2400 से अधिक दे रही है, धान के लिए समर्थन मूल्य आपको 2400 मिलेगा। किसान के कर्ज माफ करने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था जब सरकार बनी थी, फिर आप सबको मालूम है कि उसका क्या हुआ, सरकार को किस तरह से गिराया गया, लेकिन वो काम हम फिर से शुरू करेंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों के कर्ज माफ करना शुरू करेंगे। 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ होगी, मतलब आधी होगी। पुरानी पेंशन लागू की जाएगी, आप सब इसके बारे में मैं थोड़ी लंबी चर्चा बाद में करूंगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा, 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली मुफ्त मिलेगी। ओबीसी के लिए आरक्षण 27% का किया जाएगा। जाति जनगणना आपके प्रदेश में हम कराएंगे। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में निशुल्क, मतलब 100% आपको छूट मिलेगी फीस के भरने के लिए, तो प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हैं वो निशुल्क हो जाएंगी। परिवार सहित 25 लाख रुपए तक का बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलेगा, ये भी आज कांग्रेस के प्रदेशों में हो रहा है। राजस्थान में 25 लाख तक मुफ्त इलाज हो रहा है। पढ़ो और पढ़ाओ योजना है जो कांग्रेस कह रही है कि करेगी, इसमें कक्षा 1 से 12 तक निशुल्क शिक्षा होगी। कक्षा 1 से 12 तक जो बच्चे स्कूल में भर्ती होंगे और जो पढ़ाई के लिए जाएंगे उनको हर महीने 500 से लेकर 1500 रुपए उनके परिवारों को दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जो स्कूल का सामान है वो खरीदने के लिए। तो देखिए, ये थी घोषणाएं। अब घोषणाएं तो सब करते हैं कि नहीं, भाजपा वाले भी करते हैं। कितनी घोषणाएं की हैं उन्होंने यहाँ, 22,000। कभी उनके नेता आए ना तो पूछ लीजिए किसी को भी, 22,000 घोषणाएं अगर याद हो खड़े होके सुना दे, है ना। पब्लिक को तो याद नहीं है, मैं तो कहती हूँ नेताओं को भी याद नहीं रह सकती है, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके की घोषणाएं होती हैं, वो खोखली घोषणाएं हैं जो चुनाव के समय की जाती हैं। जैसे आपकी जो लाडली योजना है, बहनों बताइए, 18 सालों से सरकार है तो 2 महीने पहले क्यों की है घोषणा? क्या 2 महीने पहले से, जब 18 सालों से आप गरीबी और संकट का सामना नहीं कर रहे थे? तो ये लोग जो घोषणाएं करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि भाई जनता को हम बेवकूफ बना सकते हैं। जनता को, पब्लिक को क्या नहीं कहा इन्होंने, आपको कहा कि आपको रोजगार दिलवाएंगे, बताइए मिले? हाथ उठा लो जिसको रोजगार दिया है। 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं, 21 रोजगार। वहां बगल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पूरे देश भर में सबसे कम बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में है। यहां 18 सालों से सरकार में 3.5 सालों में 21 रोजगार दिए हैं। कोई स्कूल या कॉलेज खोला है? बंद किए। 7,000 से अधिक स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। अस्पतालों में सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा? बताइए, बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है, प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी अस्पताल में? कहाँ, प्राइवेट। प्राइवेट के में जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? कमाई नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में जितने भी अस्पताल है, स्वास्थ्य जो सुविधा है मध्य प्रदेश की, हर स्तर पे अगर आप उसको देखेंगे, हर स्तर पे पद खाली हैं। अब नौजवानों हाथ उठाओ भाई, पढ़ाई कितनी की है तुम लोगों ने? सबने की है लगभग। आजकल तो सबसे गरीब से गरीब परिवार में सबसे पहले बच्चे को पढ़ाते हैं, कैसे भी मेहनत कर ले, दिन रात खेती में मेहनत कर ले, कहाँ भी कर ले, ये सबसे जरूरी महत्वपूर्ण चीज होती है हर परिवार के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें ताकि रोजगार मिल जाए। यहाँ पर स्थितियां ये हैं कि तमाम बच्चे पढ़े लिखे हैं,
ऐसी बात नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हो आप, भर्ती की परीक्षाएं देते हो, क्या होता है, घोटाला होता है, रोजगार नहीं मिलता, पढ़ते हो लिखते हो, फीस भरते हो, प्राइवेट में ट्यूशन लेते हो, फिर भी कुछ नहीं मिलता, ये परिस्थितियां हैं। और आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया गया। इन्होंने कहा था महंगाई घटाएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, बताइए किसानों की आय दुगनी हुई? महंगाई बढ़ी है कि घटी है? अभी धनतेरस था, बर्तन खरीद पाए थे? ये ऐसा होना चाहिए कि त्योहार आ रहा है और घबराहट हो कि भाई त्योहार आ रहा है, लिपाई पुताई करनी है, खाना बनाना है मेहमानों के लिए, पटाखे खरीदने बच्चों के लिए, और घबराहट होनी चाहिए कि कैसे करेंगे? ये परिस्थितियां हो गई आपकी, यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। किसानों को देखिए, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हर चीज पे टैक्स, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, आपको कोई राहत नहीं। आपके कर्ज माफ करने की बात उठती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। अडानी जी के कर्ज धड़ाधड़ माफ कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ माफ हो रहे हैं, ये परिस्थितियां आपकी। अब किसानों की बात देखिए, यूरिया की क्या के क्या हालात है, यूरिया को लेने के लिए या मिलने के लिए क्या हालात है, लंबी लंबी कतार है कि नहीं है? आपको मालूम है गोदाम में यूरिया के बोरे हैं। अभी हाल ही में अखबारों में आया था कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने वितरण बंद कर दिया है। अब अखबारों में बहुत चीजें आती हैं, ये मुझे लगा कि आपके सामने मुझे रखनी चाहिए कि मैंने पढ़ा कि इसीलिए बंद किया है इनका वितरण, क्योंकि इस पे मोदी जी की फोटो चिपका दी, और मोदी जी की फोटो चुनाव के समय चिपका दी तो चुनाव आयोग ने कहा भाई इस समय आप नहीं बांट सकते। तो किसान त्रस्त है, परेशान है, पूरा सीजन निकल जाएगा, वो खेती में खाद नहीं डाल सकता, वो जाता है खाद लेने के लिए तो या तो खाद मिलती नहीं है या उसे कहा जाता है कि पहले अपना कर्ज भरो। तो क्या करेगा किसान, महंगाई से परेशान है। जैसे मैंने कहा, डीजल पेट्रोल टैक्स सब कुछ, जितनी भी चीजें हैं, ट्रैक्टर है, खाद है, कुछ भी है, उस पर टैक्स है, डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए, ऊपर से खाद नहीं मिलता, तो क्या करेगा और कब तक आप इन परिस्थितियों को सहते रहोगे? आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है, आपका जीवन निकला जा रहा है, आप जितने भी आपके सपने हैं, आप जो काम करना चाह रहे थे, अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाह रहे थे, उनको आपको परे करना पड़ रहा है। और देखिए, दरअसल एक बात समझ लीजिए, इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है, क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में, हम यूपी में काम कर रहे थे तो देखो, यूपी वालों के तो हम भी यूपी के हैं, आदत है, हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं, महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है, विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है, आपके पीठ में छुरा भोका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया, और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं, वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है, आप ही के साथ धोखा हुआ है। इनकी नेताओं की बात कर रहे हैं तो दूसरे यहाँ के आपके गृह मंत्री महोदय जी की हो जाए, काम है कानून का पालन कराना। पता चला कि दिन भर
पिक्चर देखते रहते हैं, कौन क्या पहना है उसकी बड़ी चिंता रहती है इन्हें। आपके पास कपड़े लत्ते नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, आप किसानी खेती में कमा नहीं पा रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। आगे चलिए, विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं, और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहाँ आए यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं लगता है। आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है, दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने लगे। ये है हालात। अब मजाक एक तरफ, आपके काम की बात करते हैं। देखिए मैं आपसे एक सीधी सी बात कहती हूँ, हम मध्य प्रदेश में हैं, बगल में छत्तीसगढ़ है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार है, तो देखते हैं भाई आपकी सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया। और देखते हैं का मतलब ये नहीं है कि प्रियंका गांधी स्टेज पे खड़ी है कह रही है तो आप मान जाए, मत मानिए, आप खुद पता करिए। कोई छत्तीसगढ़ में रहता है, राजस्थान में रहता है, कांग्रेस में के किसी अन्य प्रदेश में रहता है, तो आप खुद पता कर लीजिए वहाँ की परिस्थितियाँ कहाँ हैं, क्या है। मेरी बातों पे मत चलिए, मेरा काम है आपको बताना, मैं बताऊंगी। देखिए छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ हुए, मैंने आपसे कहा कि धान 2600 रुपए का, हम 2600 हो गया है, अब पहले 24 था, अब 2600 हो गया है, 2600 में खरीद रहे हैं। वहाँ वन उपज के लिए समर्थन मूल्य मिल रहा है, धान छोड़िए गेहूं छोड़िए, वन उपज के लिए मिल रहा है। जो महंगाई देश की जो केंद्र सरकार है उसने थोपी है जनता पे, उससे बचाया जा रहा है लोगों को, जो आपके पैसे हैं आपकी जेब में वापस दिए जा रहे हैं। यहाँ जब भी ये सवाल उठता है भाजपा के प्रदेशों में उनकी सरकारों में, तो जवाब यही आता है कि पैसे नहीं है। आप ओपीएस को देखिए, कांग्रेस के हर प्रदेश में आज ओपीएस लागू है, हमने ओपीएस लागू किया वहां उन्होंने पैसे रोक रखे हैं छत्तीसगढ़ में, कि जब हम लागू कर भी रहे हैं तो वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे। क्यों? जब ये सबको बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो आपकी संपत्ति है वो सौंप सकते हैं, तो आपके लिए आपके जेब में, चाहे आपका पेंशन हो, चाहे आपके कर्ज माफ करने की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए कुछ राहत हो, इसकी बात क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते हैं? अब आप बताओ आपके इलाके में पता नहीं आवारा पशु का है कि है समस्या खेतों में, है कि नहीं है? है, चलो यूपी में बहुत है और पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां मैं गई हूं वहां बहुत समस्या है। तो अब हम देखते हैं कि भाई आपकी सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया इसको सुलझाने के लिए। और जो छत्तीसगढ़ की सरकार है कांग्रेस की, उन्होंने देखा कि देखो ये बड़ी समस्या है, इससे किसान जूझ रहा है, रात को आवारा पशु आता है खेत खा जाता है, तो महिलाएं दिन भर खेती के पहरेदारी करती हैं और रात को किसान जाता है वो बेचारा बैठा रहता है पूरी रात। तो हमने सोचा कि किस तरह से इस समस्या को सुलझाया जाए, तो क्या किया उन्होंने, हजारों गौठान बना दिए। और उन गौठानों, ये ऐसे गौठान नहीं है जैसे इधर उधर दिखते हैं कि गौ माता को वहां छोड़ दिया, पानी नहीं है, चारा नहीं है, छत नहीं है और वहां पड़ी रहती है, ऐसे गौठान नहीं।
उन्होंने सोचा कि ऐसे गौठान बनाएंगे जिससे जो गांव की अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। तो क्या किया, वहां जो स्वयं सेवा समूह है महिलाओं के वो बनवाए, महिलाओं को रोजगार दिया, ये कह दिया कि अगर आप गोबर बेचेंगे हम गोबर आपसे खरीदेंगे। सरकार जनता ने जनता से कहा कि हम गोबर खरीदेंगे, तो क्या हुआ, लोगों ने आवारा पशु रखने शुरू किए क्योंकि उससे कमाई शुरू हो गई। तो आवारा पशु रखना शुरू किया, उसकी गोबर सरकार ने खरीदी, उसमें से गोबर गैस बनाया, अन्य ऐसी चीजें बनाई और गौठान में खूब रोजगार दिलवाए, खासतौर से महिलाओं को। तो वहां मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूं जो उन गौठानों में काम करके अपने स्वयं समूह द्वारा, स्वयं सेवा समूह द्वारा 1 लाख से 6 लाख रुपए कमा रही हैं महिलाएं। तो एक बड़ी समस्या थी, उसको सुलझाने के लिए दिमाग लगाया गया और ये तय किया गया कि हम इस तरह से सुलझाएंगे कि जनता की सुविधा हो जाएगी। और आज मध्य प्रदेश में किसान उसी से जूझ रहा है। मैं तो कहती हूँ नकल ही कर लेते, छत्तीसगढ़ में जो प्रोग्राम है, जो योजना है, उसकी नकल करके यहाँ कर लेते हैं, उतना भी नहीं किया। तो जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उससे आज आप जूझ रहे हैं, बहुत परेशान हैं। गांव को मजबूत करने की जो बात होती है ना, वो शुरू में महात्मा गांधी जी ने की थी, ग्राम स्वराज कहते थे उसे। कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज पूरी तरह से नहीं होगा तब तक ये देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकता, ये कहते थे गांधी जी। तो जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो चाहते हैं कि ग्राम में मजबूती आए, गांव में, मतलब जो गांव का गरीब है उसे ग्रामीण रोजगार भी मिल जाए, उसे पलायन करने की जरूरत ना हो। तो इसीलिए मनरेगा जैसी स्कीम कांग्रेस पार्टी लाई थी। आप जानते हैं कि मनरेगा की स्कीम से आपको ग्रामीण रोजगार मिलते थे, खेती किसानी पर और जोर डाला ताकि आपको समर्थन मिले, सरकार मदद करे, आपकी सहायता करे ताकि आप कमा पाए अपनी खेती से। आज छत्तीसगढ़ में ये स्थिति है कि जो पलायन करके चले गए थे, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था भाजपा के शासन में, और वो चले गए शहरों में कि भाई रोजगार वहां अच्छा मिल जाएगा, वो वापिस आ रहे हैं। किसानी में जो रोजगार है वो बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है, ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमारी पूरी कोशिश ये है कि पंचायत मजबूत हो, गांव मजबूत हो, ग्रामीण रोजगार मिले, आपके लिए सुविधा हो। बेरोजगारी जो है बहुत बढ़ गई है पूरे देश में, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में, भाजपा के राज में। जी आके दे दीजिए, आ जाइए। इधर से आ जाइए। अब आपकी यहां मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, जैसे मैंने कहा तमाम सरकारी पद खाली हैं, परीक्षाओं में घोटाले पे घोटाला हो रहा है, 3.5 साल में 21 रोजगार दिए हैं आपको, और रोजगार आखिर ये देंगे कहां से। जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी सारे अपने दोस्तों को इन्होंने पकड़ा दिए हैं। मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो, और जो जहां से रोजगार मिलता था, जो हमारे बंदरगाह है, जो हमारे एयरपोर्ट है, जो हमारे हवाई अड्डे हैं, सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दिए, तो वहां से तो रोजगार आना नहीं है। फिर लोग खेती में रोजगार मिल जाता था, अब किसान को इतना परेशान कर रखा है महंगाई से, और इनकी सहायता करने के बावजूद इनको और परेशान किया हुआ है, तो खेती से नहीं मिल रहा है रोजगार। अच्छा, फिर रोजगार मिलता था छोटे उद्योगों से, जो जैसे यहाँ दुकान है, ये छोटे छोटे जो उद्योग दिख रहे हैं, यहाँ दुकान दिख रहे हैं, इनमें से रोजगार मिलता था। आपने नोटबंदी थोप दी, उसके बाद आपने GST डाल दी, बीच में कोरोना आ गया, दुनिया भर में जहाँ जहाँ कोरोना था दुनिया भर में छोटे दुकानदारों की, छोटे उद्योगपतियों की मदद की गई थी,
ताकि वो जो कोरोना में जो उन्होंने पैसे नहीं बनाए, जो नहीं बनाए पाए, उनकी थोड़ी राहत हो जाती और जो रोजगार थे वो बने रहते। ये भी नहीं किया। तो जहां जहां से आपको रोजगार मिलना था वहां मुश्किलें हैं और रोजगार नहीं मिलता। तो ये जब बड़ी बड़ी खोखली घोषणाएं करते हैं ना कि करोड़ों रोजगार दिलवाएंगे, तो आपको समझना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये जो सरकारें हैं, आपके प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। आप अडानी जी का नाम लेते हैं, 16,000 करोड़ रुपए अडानी जी एक इंसान बना रहे हैं एक दिन में। सोच लीजिए, एक दिन में एक इंसान कमा रहा है 16,000 करोड़ रुपए। और कैसे कमा रहा है? क्योंकि उसके हजारों करोड़ के कर्ज माफ हो रहे हैं, उसको देश की संपत्ति सौंपी जा रही है, और जितने उसके अपने बिजनेस हैं उसको तो आप बताइए जरा मुझे, आपको मालूम है अडानी जी क्या बनाते हैं? कोई बताएगा? जैसे आपको मालूम है टाटा ट्रक बनाती है, बिरला कुछ और बनाते हैं, कोई ये बता सकता है आज के दिन में कि अडानी जी क्या बनाते हैं? क्या पागल बनाते हैं? देखिए, अडानी जी क्या बनाते हैं वो देश में किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये सरकार सब कुछ उनको सौंप रही है, ये सबको मालूम है। आज बच्चा बच्चा जानता है कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये लोग कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, हम कहते हैं ये भ्रष्ट है। अब आप कहोगे कि भाई सच कौन कह रहा है? आप खुद देखिए, इससे कोई बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है कि देश की संपत्ति को उठा के आपने एक उद्योगपति को दे दी? देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, आप बताओ इससे बड़ा कोई भ्रष्टाचार हो सकता है? तो जवाब आपके सामने है, सब कुछ आपको दिख रहा है। महिलाओं के लिए इन्होंने कहा आरक्षण करेंगे, सब महिलाएं बड़ी खुश हो गईं कि भाई आरक्षण हो जाएगा, हम भी चुनाव लड़ पाएंगे अच्छी तरह। बाद में पता चलता है कि 10 साल बाद तक ये लागू नहीं होगा। चुनाव आ रहा है, कह दिया लाडली योजना, चुनाव से पहले महिलाओं को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये परिस्थितियां आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए इतना काम हो सकता है, जहां हमारी सरकारें हैं वहां महिलाओं को खूब मौके दिए हुए हैं, आंगनवाड़ी बहनों की मानदेय बढ़ाए हैं, स्वयं सेवा समूह के कर्ज माफ किए हैं, महिलाओं के लिए खास क्लिनिक खोले हैं जो महिलाएं चलाती हैं, खुद महिलाएं चलाती हैं और वो क्लिनिक सिर्फ आप बहनों आपके लिए हैं। श्रमिकों की बेटियों के लिए 20,000 रुपए दिलवाए, शादी के लिए 50,000, लड़कियों को पीजी तक मुफ्त शिक्षा करा दी, और जो पाठशालाएं बनाई हैं प्रदेश में छत्तीसगढ़ में, उन पाठशालाओं में जो इंग्लिश मीडियम पाठशाला है उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है। तो इतने काम है जो हो सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि सरकार आई और काम ही नहीं हो पा रहा है, भाई हमारे पास पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, ये है, ये बहाने हैं बहनों और भाइयों। जहां सरकार की नीयत ठीक होती है ना, वहां पे काम बहुत हो सकता है। कल मैं जब छत्तीसगढ़ में थी, गर्व होता है, बहुत गर्व होता है, मंच पे खड़े होते हैं तो हम नेताओं को भी गर्व होता है कि भाई जो हम बात कर रहे हैं, अपने काम की बात कर रहे हैं, कि हम कह पा रहे हैं कि देखो हमने कितना किया है, देखो आपने हम में भरोसा किया, आपकी संपत्ति हमारे हाथों में थी, हमने वो संपत्ति आपको लौटाई है, हमने ऐसी योजनाएं बनाई हैं जिससे आपके कर्ज माफ हुए, जिससे आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए, जिससे कोई नौजवान हो उसको अपना बिजनेस शुरू करना पड़े उसके लिए हमने सुविधा बना दी, रोजगार दिलवाए। तो हम जब खुद मंच पे खड़े होके ये बातें करते हैं तो हमें खुद गर्व होता है और ये महसूस होता है कि चलो आपने 5 सालों के लिए हमें आपने अपना भरोसा दिया, आपने ये सोचा कि हम कुछ करके दिखाएंगे और हमने कुछ करके आपको दिखाया। जब मैं राजस्थान जाती हूँ और मैं एक ऐसे शख्स से मिलती हूँ जिसके हार्ट का ऑपरेशन मुफ्त में हो गया और वो ऐसे करके कहता है कि ये जो योजना है दीदी, इसकी वजह से मुझे एक पैसा नहीं देना पड़ा, तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है आपके प्रति, एक जवाबदेही होती है। मैं जहां जहां जाती हूं, मैं एक कहानी बताती हूं,
कि जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे उनके साथ मैं अमेठी घूमती थी, उनका चुनावी क्षेत्र था। अमेठी के जो गांव के लोग थे वो बेझिझक उनको डांटते थे और वो इतना भी कह देते कि राजीव भैया प्यार देंगे हम आपको, लेकिन हमारी सड़क ठीक नहीं की ना आपने 6 महीनों में, तो वोट नहीं मिलने वाला, कहते थे, मुंह पे कहते थे। और वो प्रधानमंत्री थे, नाराज नहीं होते थे, डांटते नहीं थे, ये नहीं कहते थे कि देखो मैं कौन हूं ऐसे मत बात करो मेरे से, सर झुकाकर उनसे कहते थे कि हाँ इसका ऑर्डर मैंने दे दिया, इसमें देर लग गई है। ये इस देश की परंपरा है बहनों और भाइयों। जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी ना, आपके पूर्वजों ने भी लड़ी, हमारे पूर्वजों ने लड़ी, जब ये लड़ाई लड़ी तो इसलिए नहीं लड़ाई लड़ी कि आज भी आप आजाद ना हो। इस आजादी का मतलब क्या था? इस आजादी का मतलब था कि जो शक्ति है, देश की जितनी भी शक्ति है, देश की जो संपत्ति है, वो आपके हाथों में हो, ये इसी को आजादी कहते थे। वरना अंग्रेजों में और यहाँ के शासकों, अब नए शासकों में क्या फर्क है? अगर आपके हाथों में ये शक्ति नहीं होती वोट की कि आप हर 5 साल बदल सकते थे सरकार, और अगर कोई जवाबदेही नहीं होती आपके प्रति कि नेता थोड़ा घबराए, यहाँ जब आपके सामने आए तो थोड़ा बहुत घबराए कि भाई मैंने इनका काम नहीं किया, इस बार मैं नहीं चुना जाऊंगा, ये शक्ति आपको लोकतंत्र के जरिए, आपके संविधान के जरिए आपको दी। और कई महापुरुषों ने इसके लिए अपनी जान दी, कई लोगों ने अपना खून इस धरती की मिट्टी में मिला दिया ताकि आप आजाद हो, ताकि आप अपने नेताओं से जवाबदेही मांगे, ताकि आपको सरकार अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है आपके साथ, आप उसको बदल पाए। तो मेरी शिकायत है आपसे, क्या कर रहे हैं आप? अपनी परिस्थिति देखी, मैंने सुना है यहाँ पे आप ही के क्षेत्र में तमाम निर्दोष लोगों पर फर्जी केस लगा के जेल में डाल देते हैं, है? देखिए मैंने पहले ही कहा, मजाक में कहा, लेकिन मैंने कहा कि गृह मंत्री हैं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, गृह मंत्री हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है कानून को लागू कराना, मतलब जनता को सुरक्षित रखना। और किसकी सुरक्षा कर रहे हैं? यहाँ के गुंडे, यहाँ के माफिया, इनको किसका संरक्षण मिलता है? जब आप परेशान होते हैं, आपकी कोई समस्या उठती है, तो आप जा पाते हैं इनके पास? अपना काम करा पाते हैं? आते हैं आपके घरों में? ये कभी पूछने आते हैं कि आपका जीवन कैसा चल रहा है? तो भाई आपने चुना क्यों? वोट मांगने आते हैं, ठीक है वो तो वोट मांगने आते हैं, तो आप क्या अंधे हो गए कि आप अंधाधुंध वोट दे रहे हैं? नहीं ना, अरे जागरूक बनो, जागरूक बनो बहनों और भाइयों, आपका देश है, आपका प्रदेश है, ये आपका इलाका है, गुंडों के हाथों में सौंपना चाहते हैं आप इसे? अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते कि नहीं? स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते कि नहीं? शिक्षा की सुविधाएं चाहते कि नहीं? तो जागो, जागो। देखो आज देश में ना एक अजीब सा सिलसिला बन गया है, ये पावन धरती है, इसीलिए मैं ये बात यहां खास तौर से कह रही हूं। धर्म के नाम पर जो आपका वोट लेने आता है उसके मन में एक बात बहुत अच्छी तरह से बैठ गई है, आप ये बात सुन लो भाइयों और बहनों, ये बात बैठ गई है कि मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं चाहे एक काम नहीं करूं जनता के लिए, मैं चाहे एक सड़क ठीक नहीं करूं, एक टूटी में भी पानी ना आए। समस्या उठी किसानों की, मैंने आंख मूंद के दूसरी तरफ मैंने देख लिया, मैं सब कुछ कर सकता हूं,
बशर्ते चुनाव के समय मैं मंच पे खड़ा होकर धर्म की बात करूं, लोगों के जज्बात उभर जाएंगे, लोग धर्म की बात मानते हैं और धड़ाधड़ मुझे धर्म के नाम पर वोट मिल जाएंगे। ये बात सही है कि नहीं है? जो नेता ये समझ गया है कि मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं धर्म या जाति की बात करूंगा और उस आधार पे मुझे वोट मिल जाएंगे, वो नेता काम बंद करना शुरू करेगा। वो करेगा ही नहीं। कल को आप कहोगे, जो नेता यहाँ पे हम लोग बैठे हैं सब, कल हमें आप छूट दे दो, हमें आप कह दो कि भाई काम करने की जरूरत नहीं है, आप हमारी जज्बात की बातें करो, आपको वोट मिल जाएगा, तो हम भी बैठ जाएंगे, क्यों नहीं? ये तो इंसान की फितरत होती है। जब जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो इंसान बैठ जाता है। घर में ऐसा होता है, आप अपने बेटे को कोई जिम्मेदारी ना दो, उसको खिलाते रहो पिलाते रहो, घर में बैठा रहता है, क्या करेगा? बाहर जाके नौकरी ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा। जब बेटा गलत करता है, काम नहीं करता, या मान लो कहीं किसी के घर में चले गया, कुछ उठा के ले आया, तो माँ उसको डांटती है, उसको थप्पड़ मारती है, कहती है कि क्या चोरी करके लाया, जा वापस दे, कहती है कि नहीं? तो तुम बच्चों को डांटते हो, बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हो, नेताओं को क्यों नहीं सुधार रहे? ये आपकी धरती है, बार बार मैं कह रही हूं, आपकी अमानत है, बार बार मैं कह रही हूं। लोकतंत्र ने शक्ति आपको दी है, ये जो आपका वोट है ना, सबसे बड़ी शक्ति है, इसको मत नकारो, इसको खामखा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मत दो, इसको एक ही आप एकदम अपना ध्यान जो है ना केंद्रित कर लो, अपने विकास पे, अपने भविष्य पे, अपने बच्चों के भविष्य पे। आपको याद है महाभारत में जब अर्जुन ने यूं अपना बाण पकड़ा, एकदम अपना ध्यान केंद्रित कर दिया मछली की आंख पे, उसी तरह अपना ध्यान केंद्रित करो, नहीं तो छूट जाएंगे 5 साल और। जो बर्बादी आप देख रहे हो, जो ये घोटालों वाली सरकार है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार की सरकार है, समझ लो इसका नुकसान कोई नेता नहीं भर रहा है, कोई नेता नहीं भर रहा है, इसका नुकसान आप भर रहे हो, आपके बच्चे भर रहे हैं, आप भुगत रहे हो। भ्रष्टाचार से मालूम है सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? युवाओं को सबसे ज्यादा। ये पैसा आता कहाँ है? जब हम सुनते हैं कि फलाना घोटाला हो गया, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, 3000 करोड़ रुपए का घोटाला, व्यापम घोटाला, किसी और का घोटाला, तो ये जो 2000-3000 करोड़, हम किसकी बात कर रहे हैं? किसके पैसे हैं ये? एक दूसरे से तो नहीं ले रहे हैं ये नेता? नहीं ना, किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? आपसे ले रहे हैं। लोकतंत्र में ना सरकार की कोई संपत्ति नहीं होती है, जनता की होती है, जितनी भी संपत्ति है आपकी है। तो आपको जागरूक बनना पड़ेगा, और जब मैं कहती हूँ ध्यान केंद्रित करो, तो सोचो भाई सरकार हमें क्या दे रही है? क्या महिलाओं को हर महीने कुछ मिल रहा है? क्या रोजगार मिल रहा है? रोजगार से हमारी कमाई हो रही है? किसानों को राहत मिल रही है? ये बड़े बड़े लंबे चौड़े बिजली के बिल जो आते हैं, इसमें राहत मिल रही है? पूछो, क्योंकि ये सब आपका अधिकार है, कोई आप पर एहसान नहीं करता। हम जब कहते हैं ना, नेताओं की आदत भी खराब कर दी आपने, कहते कि हम दे रहे हैं, हम आपको हर महीने पैसे देंगे, कहते हैं ना सब नेता, कहते हैं कुछ नहीं दे रहे हैं, ये सब आपका पैसा है, आपको वापस कर रहे हैं, कहना चाहिए हम आपका पैसा लौटा रहे हैं, ये कहना चाहिए। तो आदत खराब मत करो, अब बहुत समय हो गया है, 18 सालों से भुगत रहे हो। अगर आपने खुद अपने जीवन में खूब तरक्की देखी है, आप खुश हो, आप परेशान नहीं हो, तो ठीक है, फिर से भाजपा की सरकार बना दो। नहीं, मैंने सुना है कि इस बार खास तौर से दतिया में बदलाव आ रहा है, मैंने सुना है कि खनन माफिया, लैंड माफिया से आप छुटकारा चाहते हैं, मैंने सुना है
कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो मिलावट हो रहा है, नशाखोरी हो रही है, इससे आप छुटकारा चाहते हैं। सही सुना है? तो मन बना लो, मन बना लो भाई और बहनों, इतना मुश्किल नहीं है, एक वोट की बात है। आज आखिरी दिन है प्रचार का, सोच समझ के अपना वोट दो। मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि जनता में सबसे ज्यादा विवेक है। जब जनता ने उन्हें हराया, मालूम है आपको, 77 में उनको हराया, अपनी ही सीट हार गई थी, काफी समय के लिए मायूस थी, घर में ही बैठी रहती थी, कुछ महीनों के लिए कमरे में ही रहती थी, उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि जनता ने गलत किया, उस समय उन्होंने ये कहा कि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे जनता नाराज है और मुझे उसमें सुधार लाना है। ये होता है असली नेता। तो इंदिरा जी कहती थी कि जनता में सबसे ज्यादा विवेक है। उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी, वही श्रद्धा हम सबके दिलों में है। इसलिए मैं यहां आती हूं, आपसे वोट नहीं मांगती, आपसे शिकायत करती हूं और आपसे जागरूकता मांगती हूं, क्योंकि मेरे मन में भी आपके लिए श्रद्धा है। मैं जानती हूं कि ये लोकतंत्र है, आप ही सर्वोपरि हैं, नेता को बनाने वाले आप हैं, लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब मैं कहती हूं ध्यान से सोच समझ कर अपना वोट डालो, तो मैं यही कह रही हूं कि समझ जाओ कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके जज्बातों के नाम पर, धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगा जा रहा है, लेकिन काम के नाम पर कोई नहीं मांग रहा। आप एक ऐसी नई परिस्थिति बना लो ना कि जो भी आपके मंच पे आए या तो आपके विकास का काम की बात करें या फिर आप सुने ही नहीं। नई परिस्थिति बनाओ। आप सोचो हम 10-20 नेता बैठे हैं, आप हजारों की जनता हो, हमने फिजूल की बात शुरू की, आप चिल्लाना शुरू कर लो, बोलो हमें नहीं सुननी ये बात, हमारे काम की बात सुनाओ, तो हम मजबूर हो जाएंगे ना। हम आपके गांव आए, हमने काम नहीं किया आपके लिए, बहुत घोषणाएं की थी, बहुत वचन दिए थे, पूरे नहीं किए, तो जब हम गांव आते हैं तो हमें जवाबदेह बनाओ। अमेठी की जनता करती थी, ज्यादा साल नहीं गुजरे हैं, बस ये हो गया है कि आपको जो धर्म के नाम पर, जो जिस तरह से आपके सामने जो प्रचार किया गया है, उससे आपका नुकसान हुआ है। क्योंकि किसी को धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, धर्म हम सबके दिलों में है, हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, धर्म में हमारी बहुत आस्था है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नेता के दिल में भी जनता के प्रति आस्था होनी चाहिए, वही आस्था होनी चाहिए, क्योंकि नेता का एक ही धर्म होना चाहिए, आपका विकास, आपकी तरक्की, आपको सशक्त बनाना। तो मैंने काफी लंबी बातें कर ली, लेकिन मेरी बातों को भूलो मत। परसों वोट देने जाओगे तो ध्यान से मेरी बातों को याद रखो। बदलाव लाना है, दतिया में बदलाव लाना है, मध्य प्रदेश में बदलाव लाना है, आपको अच्छे नेता मिले जो काम करके दिखाएं आपको, जो दिन रात एक करके दिखाएं आपको, जो आप ही के लिए समर्पित हैं, तो आप कांग्रेस को चुनिए। 5 सालों का मौका दीजिए, देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, कर्नाटका में क्या क्या नहीं हो रहा है, आप इन सब प्रदेशों में देखिए, और जो आपका अनुभव रहा है 18 साल का भाजपा की सरकार का, उसका आप इस्तेमाल करिए, उसके बारे में सोचिए, और उस आधार पर जब आप वोट डालेंगे सोच समझ कर, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बदलाव आएगा। एक बार मेरे साथ बोलिए जोर से, मेरे साथ बोलिए, दतिया में बदलाव, दतिया में बदलाव, दतिया में बदलाव, जय हिंद, धन्यवाद।
धन्यवाद मैम। सब सबका यहाँ पे आए हुए अपार जनता का अपार समूह का धन्यवाद। सब बोले प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी।